हेलो एवरीवन, तो भाई स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम खर्च करने वाले लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। ओके, टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ खर्च करने वाले हैं। देखो, ऑलरेडी मेरे पास 14 प्रो मैक्स है 1 TB, लेकिन अभी हमारे पास स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि मैं सारे वीडियोज इसी से एडिट करता हूँ और खुद ही एडिट करता हूँ, तो सारा मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ। तो अभी चलते हैं, फिलहाल वर्कआउट चल रहा है, वर्कआउट देख सकते हो। देखो अभी स्टार्ट किया है तो कम से कम 2 ही घंटे वर्कआउट चलेगा, उसके बाद वर्कआउट करके हम चलेंगे स्टोर के ऊपर और स्टोर से फिर मैं जाके दिखाता हूँ आपको कि आज मैं कौन सा मोबाइल लेने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो के साथ और बहुत मजा आने वाला है। तो भाई वर्कआउट खत्म हो चुका है और अभी दिन के 12:30 हो चुके हैं क्योंकि लेट उठे हैं। और वर्कआउट जितना लेट स्टार्ट करेंगे ना उतना ही लेट खत्म होता है क्योंकि वर्कआउट स्किप नहीं करता मैं, कोई भी सारे वर्कआउट कंप्लीट करके निकलता हूँ। चेहरे की हालत देख रहे हो, थोड़ा ऑयल आ गया क्योंकि पसीना गर्मी पड़ने लग गई है। और अभी जाते हैं फटाफट से और प्रोटीन वगैरह पीते हैं, प्रोटीन बहुत जरूरी है रिकवरी के लिए। तो चलते हैं प्रोटीन पीते हैं और फिर नाक धो के फिर जाएंगे फ़ोन लेने। आज के 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। खुशी भी हो रही है, थोड़ा दुख भी है, लेकिन कोई बात नहीं, और कमाना है मौज करना है। देखो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई। दुनिया में कोई भी नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन हेल्थ का नुकसान हुआ मतलब सब कुछ, क्योंकि हेल्थ से ही आप पता नहीं क्या कर सकते हो। इस हेल्थ से आपका जो लेवल होता ना पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर होती है, और पॉजिटिव एनर्जी आपसे सब कुछ करवाती है। तो हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी, नोट कर लेना इस बात को दिमाग में। ना कोई ट्रैफिक सिग्नल, ना कोई ट्रैफिक पुलिस, जिसको जैसी मर्जी हो वैसी गाड़ी चलाता है यहाँ पे। ये देखो, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई सीधा आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है। ओके गाइस, तो भाई वर्कआउट तो आपको पता कंप्लीट हो चुका है, अब फटाफट से पहले प्रोटीन पियेंगे। देखो 1 स्कूप प्रोटीन मैं क्या लेता हूँ आफ्टर वर्कआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपकी मसल ग्रोथ में, आपकी मसल रिकवरी में, आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा। ओके गाइस, तो भाई मैं यूज करता हूं एज इट इज का वे प्रोटीन। तो इसमें आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि 1 स्कूप के अंदर ही आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और 5.7 ग्राम BCAA मिल जाता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, आप भी यूज कर सकते हैं। देन अब चलते हैं फटाफट से प्रोटीन पी के और आईफोन लेके आते हैं नया। ओके चलो, कमेंट करके जरूर बताना बॉडी कैसी दिख रही है। ये देखो। ओके गाइस, तो भाई नहा धोके रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मोबाइल लेने शॉप के ऊपर, ठीक है। तो भाई देखो, मैं मोबाइल नया क्यों ले रहा हूँ जबकि मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा है 14 Pro Max 1 TB, लेकिन नया इसीलिए कि कल ही मुझे ख्याल आया, क्योंकि मुझे बार बार मेरा डेटा डिलीट करना पड़ता है, तो मैं सोच रहा था कि बार बार डिलीट नहीं करूं, 1 TB और ले लेते हैं। तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही करो, कोई भी काम आप करना चाहते हो सोचा और निपटा दो। ओके, जो होगा देखा जाएगा, यही हैबिट हमेशा याद रखना, इस आदत को हमेशा अपनी जिंदगी में बनाओ, कुछ भी करना है तो करो बस। चलो मिलते हैं डायरेक्ट शॉप के ऊपर वहीं पे और फोन लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। भाई एक टाइम था तब मैं इस ब्रिज के ऊपर शर्टलेस होकर वीडियो बनाया करता था, यहाँ से ट्रेन निकलती है, तो उस टाइम पे मेरी ही कम्युनिटी के लोग मुझे बोलते थे बचपना कर रहा है, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। उस टाइम लोग मुझ पर हंसते थे जब मैं यहाँ इस जगह पे इस लोकेशन पर शूट करता था, उस टाइम पे हंसते थे और आज मैं उन पे हंसता हूँ। तो भाई देखी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, उस टाइम पर लोग मुझ पर हंसते थे, आज से 3-4 साल हो गए होंगे शायद, इस लोकेशन जो मैंने आपको बताई यहाँ मैं शूट करता था, थोड़ा शर्टलेस होके थोड़ा क्रिएटिव करता था, उस टाइम पर लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन आज मैं उन पे हंसता हूँ। कोई बात नहीं, मैं इतना भी नहीं हंसता, लेकिन ठीक है, कभी कभी अगर उनकी बातें याद आती है तो मैं दिमाग में थोड़ा सा ऐसा मुस्कुरा जाता हूँ, क्योंकि यार टाइम बदलते टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, अपना जो काम कर रहे हो उसको करते रहो कंटिन्यूटी के साथ एंड पूरी ईमानदारी के साथ, ये जरूरी है। ये वाला कलर मंगवाया,
हल्का वो पहले से लाइट बॉडी टाइट है मतलब थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन अच्छा लगेगा। ओके देखते हैं 15 में क्या स्पेशल है। कैसा लगा? जोरदार। अब चलाने में पता चलेगा। 14 तक तो ट्रस्ट है अपन को। वेट बहुत लाइट है ना इसका? वेट तो हल्का लग रहा है। अच्छा वाला कौन सा? 45 मैं भी वही देख रहा था। 45 कब से आने लगी? 14-15 दोनों जाएंगे एक साथ तब तो कर लेंगे। कौन सा दिखा ना? ड्यूल चार्जर है सर। ड्यूल पोर्ट है। ड्यूल पोर्ट चार्जर एक साथ दोनों हो जाएंगे। 14-15 चाहिए भी थे। ओके गाइस तो भाई आ चुके हैं और आ चुका है 15 Pro Max 1 TB। ठीक है लेके आ गए तो भाई अब घर जाएंगे। अब थोड़ा स्पेस मिलेगा क्योंकि ये 14 प्रो मैक्स एक हो गया और 15 एक हो गया तो दो आईफोन। पहले था तीसरा उसको घर पे रख दिया मैंने तो काम आएगा पड़ा रहेगा कभी फ्यूचर में। तो कमेंट करके जरूर बताओ कैसा। और अभी तक तो मैंने इसके रिव्यू नहीं देखे लेकिन जिस भाई के पास 15 प्रो मैक्स है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ किस तरह का फोन है कैसा फोन है। जो क्योंकि मैंने इसके रिव्यू अच्छे नहीं दे जिसने बोला अच्छे नहीं देखा। कोई बोल रहा हीट होता है कोई बोल रहा क्या होता है वगैरह वगैरह। तो कमेंट करके जरूर बताओ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही। देन एक ही बात बोलूंगा मेहनत करो काम करो और नाम करो और पैसा बनाओ और अपने सपने पूरे करो अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। इसीलिए बोलता हूँ भाई मैं ऐसा ही नहीं बोलता पवन साहू बिना मतलब कोई बात नहीं बोलता है। पवन साहू बस इसीलिए बोलता है कि हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है। अब आप उसे गलत समझें या अच्छा समझें आप किस तरीके से उसको लेते हैं अपनी लाइफ में वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी मेरे मुंह से निकाली हुई बात मैं हमेशा तोल मोल कर ही बोलता हूँ। बाकी आपका समझने का नजरिया है क्या उस किस नजरिए से आप उसको सुनते और समझते हैं। I love you all and bye और बने रहें आपके भाई के ऐसे ही व्लॉग के साथ। ठीक है बाय।